टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार के नए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किया पद ग्रहण, गुलदस्ता देकर नए कृषि मंत्री का हुआ स्वागत। पटना में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नीतीश सरकार पर कसा तंज। भागलपुर में दुर्गाबाड़ी व कालीबाड़ी की महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मनाया सिंदूर खेला। नालंदा में भगवती नारायण के आयोजन के नाम पर हुई फुहड़ता, जागरण में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। नवादा जिले में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया, पुतला दहन के दौरान भारी पुलिस की गई तैनात। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का। बिहार के नए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने पद भार ग्रहण किया। विभाग के अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर मंत्री जी का स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया को संबोधित किया और कहा, हमें पूरा भरोसा है, हम सब मिलकर बिहार के किसानों को ऊंचाई तक ले जाएंगे, हम बेहतर काम करेंगे और नए सिरे से काम करेंगे, गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबको पता है कि बिहार की बनावट, जलवायु परिवर्तन, ये दोनों चैलेंजिंग है। बिहार की बनावट एक तरफ बाढ़ है और एक तरफ सुखाड़ है। जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखते हुए हम लोग काफ़ी एक्टिव होकर के काम करना होगा और अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे, ये भरोसा दिलाते हैं। बिहार विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने के आदेश पर कहा, अति पिछड़ा समाज प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण चुनाव पर रोक लगाई गई है। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मुकदमा चलना चाहिए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में अति पिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए सुनते हैं कि सम्राट चौधरी ने और क्या कुछ कहा है। दृष्टिया सुप्रीम कोर्ट में तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा, इसलिए वो वकीलों से भी राय ले ले, क्योंकि आजकल जो कुछ लोग सलाहकार हैं उनको दुबाने का ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए इससे बचने की जरूरत है। बिहार के हम लोगों की लड़ाई भाजपा जदयू की हो सकती है, राष्ट्रीय जनता दल से हो सकती है, लेकिन भाजपा अति पिछड़ों के सम्मान के लिए कहीं भी सर झुकाने के लिए तैयार। भागलपुर के आसपास दुर्गाबाड़ी कालीबाड़ी की महिलाओं ने मां की विदाई के समय एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मां को नम आंखों से विदाई दी। बता दें कि शारदीय नवरात्र में 9 दिनों की पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा को 10वें दिन धूमधाम से गाजे बाजे के साथ विसर्जित किया गया। इस मौके पर सिंदूर खेला का रस्म महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर किया। सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को महिलाओं ने नम आंखों से अलविदा कहा। हिसाब से जैसे हम लोग अपनी स्वयं की बेटी को विदा करते हैं, अच्छे से भरी पूरी रहे, वो खुश रहे और साथ में माँ से खुशी मांगते हैं, क्योंकि ये जगत जननी है, तो हम उनसे ये खुशी मांगते हैं कि आज हम लोगों का भी परिवार सुखी संपन्न रहे और अपना आशीर्वाद देके माँ दोबारा अगले साल आए। मेरा नाम नुपुर सरखेल है और हम लोग बंगाली हैं और हम लोग के यहाँ दुर्गाबाड़ी में बंगाली रीति रिवाज के साथ माँ की पूजा होती है और माँ को हम लोग यही कहते हैं कि माँ सबको अच्छा रखें, माँ मैंने क्या कहते हैं, अगले साल फिर तुम जल्दी ही आना। नौ
नवादा जिले में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर के हरिश्चंद्र स्टेडियम में राम ने अग्नि बाण चलाकर बुराई के प्रतीक को आग के हवाले कर दिया और देखते देखते रावण का पुतला रंगीन आतिशबाजी के बीच खाक हो गया। 50 फुट ऊंचा रावण का पुतला 30 सेकंड में जलकर राख हो गया। पुतला दहन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इससे पूर्व भगवान राम की शोभा यात्रा बैंडबाजी के साथ निकाली गई। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक लंका दहन कार्यक्रम का पटना के गांधी मैदान में समापन हुआ। सबसे पहले 60 फुट के ऊंचे कुंभकर्ण के पुतले में आग लगाई गई। इसके बाद मेघनाथ के 65 फीट ऊंचे पुतले और सबसे अंत में 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले को जलाया गया। बता दें कि इसके पहले गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित दशहरा कमेटी के लोगों ने भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की आरती उतारी और कार्यक्रम की शुरुआत की। आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में बर्थडे पार्टी में गए एक युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी मच गई। सूचना मिलते ही एसएसपी सह सदर, एसडीपीओ हिमांशु एवं टाउन थाना अध्यक्ष अनिल कुमार घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल से 4 खोखा, 5 शराब की खाली बोतल बरामद की है। हमें सूचना मिली थी 12:15 के आसपास कि जितेंद्र कुमार उसके भी हत्या हो गई और हम लोग 10-15 मिनट में यहाँ पर पहुँचे हैं। बाकी क्राइम सीन में जितने भी सबूत थे सब इकट्ठा किया, आगे की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या लग रहा है सर आपको? जैसे अंदर क्राइम सीन में देखा गया है कि पार्टी कर रहे थे लोग और उसी में हम लोग देखते हैं कि क्या आता है फायर। भागलपुर सबौर प्रखंड के चंदेरी का रहने वाला 18 वर्षीय इंटर का छात्र स्वतंत्र कुमार 4 सितंबर को अपने कुछ दोस्तों के साथ बाबूपुर घाट गंगा स्नान करने गया था। इसी दौरान गंगा के तेज धार में वह डूब गया था। एसडीआरएफ और ग्रामीण गोताखोर उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। आज युवक स्वतंत्र का शव एसडीआरएफ और ग्रामीण गोताखोर के सहयोग से मिल गया। पुलिस प्रशासन सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर कैमूर से है जहां एक युवक को गोली मार कर हत्या कर दी गई। बता दें कि घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है और पुलिस ने सभी आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी आरा नगर निवासियों का मेरा सादर प्रणाम है। आरा नगर निगम में मुख्य पार्षद और मेयर का चुनाव होने वाला है 20 तारीख को। आप सभी से अपील है कि मेरी पत्नी सोनी कुमारी 23वें नंबर पे मुर्गा छाप चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है। आप सभी से अनुरोध है, सभी मतदाताओं से अपील है, नई सोच और युवा जोश के साथ मतदान करें और मुर्गा छाप बटन का दबाने का कृपया करें। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आर्यन सुसंदी पंचायत मुखिया सभी ग्रामवासियों एवं देशवासियों से को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे और सभी लोगों को माता रानी अच्छी स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें और एक सुख और शांति की वातावरण पूरे देश में स्थापित हो। और मैं सभी लोगों के लिए माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि माता रानी आप अपनी कृपा सभी लोगों पे बनाए रखें। 4 बजे करेंगे 4 बड़ी खबर पर बात, पहुंचाएंगे सरकार तक जनता की आवाज, जानेंगे संवाददाता से खबर की जानकारी, सरकार भी लेगी खबर की सुसारी। दिन भर की 4 बड़ी खबरों पे रहेगी हमारी नजर।
देखिए 4 बजे की 4 बड़ी खबर सिर्फ प्राइम टीवी पर। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं भवानी सिंह उपाध्यक्ष जिला जनता दल यूनाइटेड बिहार शरीफ नगर सभी बिहार वासियों को और समस्त नालंदा जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे और सभी लोगों को माता रानी अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें और एक सुख और शांति का वातावरण पूरे जिला में स्थापित हो। इसी की सब मंगल कामनाओं के साथ मैं सभी के लिए माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि माता रानी आप अपनी कृपा सभी जिला वासियों पे बनाए रखें। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। राहुल तिवारी नैना माता मंदिर मालगोदाम रुद्रनगर रोड सुल्तानपुर की तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सुजीत कुमार मुंगेर प्रमंडलीय ब्यूरो की तरफ से आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बंधु को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप तमाम पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि एकजुटता का परिचय दें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दुर्गा पूजा के मौके पर भगवती जागरण के आयोजन के नाम पर सारी रात फूहड़ भोजपुरी गीतों पर नर्तकियों के ठुमके लगवाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि मामला नालंदा जिला अंतर्गत बेन प्रखंड के बेन बाजार का है, जहां विजयदशमी के मौके पर जागरण के नाम पर समिति के द्वारा अश्लील गानों पर ठुमके लगवाए गए और यह सब कुछ थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर चलता रहा, बावजूद पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। नालंदा जिले के नूरसराय थाना इलाके के हाई स्कूल के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने बताया कि गुरुवार को मजदूरी करके नूरसराय आ रहे थे। इसी बीच हाई स्कूल के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी की हालत में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि अज्ञात वाहन के विरुद्ध मामला दर्ज कर पहचान की कोशिश की जा रही है और शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है। काम करने के लिए करीब 5 बजे निकले घर से नूरसराय, लेबर मजदूर का काम करते थे। रास्ते में आने के क्रम में नूरसराय हाई स्कूल के सामने मेन रोड पर अज्ञात वाहन द्वारा इनको धक्का मार दिया गया। धक्का मारने के बाद इनको लाया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नूरसराय में, जहां चिकित्सक द्वारा रेफर कर दिया गया बिहार शरीफ सदर। सदर में कुछ इलाज हुआ, इसके बाद यहां से इलाज रेफर कर दिया गया पावापुरी। पावापुरी में इलाज हुआ कल, आज सुबह में करीब 8 बजे वहाँ से रेफर कर दिया पटना PMCH के। रास्ते में इनका देहांत हो गया नूरसराय। खबर नालंदा से है, जहां सरमेरा थाना इलाके के SN 78 पर पानी प्लांट के समीप दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार किशोर समेत दो की मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही परिजन में चीख पुकार मच गई। वहीं मामले को लेकर थाना अध्यक्ष विवेक राज ने बताया कि बाइक की आमने सामने टक्कर में दोनों युवक की मौत हुई है, जबकि जख्मी युवक का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। दोनों शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया गया है। तो रात से जा रहे थे सर मेरा देखने मेला, ठीक है ना, तो हम कुल आगे थे, ठीक है ना सर, आ ये लोग था पीछे, ठीक है ना, तो हम लोग आगे बढ़ गए थे, ठीक है ना, आ ये लोग जा रहे थे पीछे से, तो उधर से दूसरा गांव का एक बाइक आ रहा था, ठीक है ना, दुर्म टक्कर लग गया था, ठीक है ना,
बाइक पे था, वो दो लोग था, उधर से दो लोग था, हम लोग थे तीन लोग, ठीक है ना। तो हमको आगे निकल गए, जब हम देखें भीड़ लगा हुआ था, तब जब पीछे से हमको आए देखे तो इसको एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना। तो एक ऑटो था उसको हम रुकवाएं, तो उसके बाद फिर एम्बुलेंस के पास फ़ोन किया, ठीक है ना सर, मेरा ठीक है ना सर, बोला ठीक है आ रहा है एम्बुलेंस। तथा पूरा इमरजेंसी ज़्यादा था, इसी कारण से हमको आगे ले गए अस्पताल ले गए थे, ठीक है ना सर, मेट्रो अस्पताल था, ठीक सर। जब इसके बीच में पहुँचे तो वहाँ पर दम तोड़ दिया था सर। नवादा के प्रसाद बिघा के समीप मेला घूमने आए दो भाई को सिरफिरे ने चाकू मार कर घायल कर दिया। बता दें कि दोनों भाई मेला घूमने आए थे, तभी पीएनबी बैंक के पास उसे अज्ञात लोगों ने चाकू मार दिया, जिससे वो घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों घायलों का इलाज नवादा सदर अस्पताल में जारी है। पुलिस फिलहाल जाँच में जुटी हुई है। बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं।